हमारे गांव में करीबन 500 घरों की आबादी है। यहाँ पे 10 से 15 एचपी का एक ही ट्यूबवेल है, और इसके जो ट्यूबवेल है उसमें भी फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसमें पेट दर्द या घुटनों का दर्द या रोग है बहुत ज़्यादा फैलता है इससे, फ्लोराइड से। तो ऊपर ही उसके बाद पीएचडी विभाग ने एक ट्यूबवेल और करवाया था ऊपर थोड़ी दूर है, तो उसमें पानी बहुत बढ़िया निकला, उसमें फ्लोराइड की मात्रा बहुत कम है। उसके अंदर मोटर पंप डाल दिए, सब डाल दिए, लेकिन ट्रांसमीटर विद्युत विभाग है वो ट्रांसमीटर नहीं दे रहा है। न उसका कोई विभाग है, सरपंच महोदय है, चाहे पंचायत समिति है, कोई उसका डिमांड नहीं जमा करवा रहा है। इस वजह से विद्युत विभाग है वो कोई कनेक्शन नहीं दे रहा है, और पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे पशु पानी के चलते पशु प्यासे मर मर के, जीव जंतु आगे चल के देखो तो बहुत सारे जीव है वो पानी के चलते त्रासदे के चलते मर रहे हैं। और गांव आम आदमी की भी बहुत पानी की समस्या है, और गांव के घरों में मटकों से, गांव के पर्सनल जो खेतों में ट्यूबवेल है वहाँ से पानी ला ला के पी रहे हैं गाँव। यह करीबन 2 से 3 सालों से प्रॉब्लम है। यह हमारा गाँव है जो तहसील हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे न तो प्रशासन कोई सुनवाई कर रहा है, न कोई राजनीतिक दल है वो कोई सुनवाई कर रहे हैं। गाँव में पानी की, बिजली की नेटवर्क समस्या बहुत बड़ी, नेटवर्क समस्या है। न तो कोई सरकारी पंचायत विभाग में है वो कोई काम कर सकते हैं, न कोई बच्चों की टीसी है। अब 15 तारीख के लास्ट डेट दे रखी है टीसी एडमिशन की, लेकिन बच्चों की टीसी न तो स्कूल काट सकती है न जमा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं है कोई सी भी कंपनी का। तो प्रशासन, आपके माध्यम से प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमारे गाँव की तरफ ध्यान दें। यदि यह न होगा तो हमें एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कल हमें मैडम SDM साहिबा को ज्ञापन दे के आएंगे, और बाद में यदि फिर भी समाधान नहीं हुआ तो हम कलेक्टर के घेराव करेंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम मांगीलाल पुनिया है। पानी की समस्या बहुत दिनों से चल रही है साहब। ये ट्यूबवेल तो एक बना हुआ है, वो ट्यूबवेल नहीं चला है, और एक ट्यूबवेल से पानी की पूरी सप्लाई नहीं हो रही है, इसीलिए गांव के लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे हैं। और बिजली की भी समस्या चलती है हमेशा के लिए, बिजली कम आती है, कम बिजली आने से जो सुविधा है उसमें आपती हो जाती है। कितनी आबादी का गाँव है ये? ये लगभग 300 साढ़े 300 घर, 500 करोड़। हाँ, किस प्रकार की समस्या हो रही है पानी आने से? पानी की सप्लाई जो पानी की जो भी जनता मांग कर रही है उसी लिए पूर्ति नहीं हो रही है, पूर्ति नहीं हो रही है। पानी की गणी कोई माले संभाल, एक मोटर चले 15 HP की, 500 घर है ऊपर, एक कुआ बना रख दियो अपने बिंगो कोई तक समस्या। जीव जंतु सब डांगर पशु सही तीसरे ही मरे आज मैं लिए ऊपर, तो पानी आते गांव ने तो भूख रही कोई नहीं है। धनाराम है मेरा नाम।